हाँ जी, सभी भाइयों का राम राम। ये हमारा यूट्यूब चैनल शिकारपुर से और मैं हंस गुज्जर करता हूँ आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं अपने खेत के अंदर आया हूँ और इस खेत में हमने बोया है गन्ना। और जैसा कि आप टाइटल से भी समझ गए होंगे, आज की जो वीडियो है, ये जो गन्ने का नया बीज चल रहा है आज के समय में 15-0-23, इसके बारे में ही है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस खेत में हमने यही बीज लगाया है। और हमारे चैनल पे पहले भी कुछ वीडियोस इसी से संबंधित डली हुई थी, तो उसमें हमने बताया था कि भाई जो गन्ने की पैदावार थी, जो उपजाऊ क्षमता थी, वो उतनी बेहतर नहीं थी। तो उसके भी कुछ कारण थे, वो सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन हमारा मकसद है, वो ये है कि हम आपको फिर से दिखा पाए कि जब हमने गन्ना अब बोया तो अब इसकी पैदावार कैसी हो रही है। क्योंकि जो पहली वीडियो थी, जब हमने इसको पहली बार बोया था, तो हमने गांव के अभी दूसरे भी जो खेत थे वहाँ सभी में भी आपको जाकर दिखाया था कि उतने अच्छे से इसकी पैदावार नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब दोबारा से इसको बोया गया है, तो पहले के मुकाबले अब इसमें कितना फ़र्क आया है, वही सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये जो हमारा खेत है, इसमें जो आगे का हिस्सा वहाँ पर तो 38 बोया हुआ है लगभग आधे हिस्से में, और जो पीछे का हिस्सा है इसमें बोया है हमने 15-0-23। तो यही आपको दिखाना है। पहले क्या था कि भाई, एक तो नोर बिल्कुल सही से नहीं थे, बहुत दूर दूर थे, लेकिन अब आप देख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, नोर बिल्कुल अच्छे से बने हुए हैं। और जैसे आगे 38 के नोर है, ऐसे ही इसके भी यहाँ पे नोर बने हुए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो इसकी फूट हो रही है पुराने के मुकाबले, अब फूट इसकी बेहतर हो रही है। पहले क्या था भाई, बहुत दूर दूर थे, तो उसके भी मुख्य कारण ये थे कि एक तो जो हमें बीज मिला था वो बासी बीज था, काफ़ी दिन से मिल में रखा हुआ था, तो एक कारण तो ये था। उसके बाद जो मिल ने कैंचियाँ कट करके दी थी, वो भी सही अनुपात में नहीं थी, तो उस वजह से जो कैंची थी गन्ने की, वो सही से मतलब पोषित नहीं थी और वो सही से जम नहीं पा रही थी। और जो एक और मुख्य कारण था, जो बुआई का तरीका मिल ने बताया था, वो यहाँ के पारंपरिक जो तरीके होते गन्ने बोने के, उनसे अलग था। तो उस वजह से जो गन्ने की जमाव क्षमता थी 15-0-23 की, वो उतनी बेहतर नहीं आई थी। और काफ़ी लोगों के कमेंट भी थे कि भाई इसकी जमाव क्षमता उतनी बेहतर नहीं है। उसी को लेकर हमने वो वीडियोस बनाई थी कि गन्ने की जमाव क्षमता जो पहली बारी में हुई थी, वो उतनी अच्छी नहीं आई थी। लेकिन अब हमने दोबारा लगाया है, तो अब आप देख सकते हैं अच्छे से नोर बन रहे हैं, अच्छे से फूट आई है गन्ने में। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई गन्ने की जो जमाव क्षमता है वो अच्छी है। और जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, आगे भी जाए तो आप देख सकते हैं, गन्ना बिल्कुल नॉर्मली जैसा गन्ना होता है वैसा हो रहा है, और कोई अभी तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही है इस गन्ने को। और उधर भी आप देख सकते हैं 38 भी, वो भी सेम वैसा ही है, और इधर भी आप देखोगे तो ये भी वैसा ही है। यहाँ पर जमाव क्षमता में कोई ऐसी खास दिक्कत अभी दिखाई नहीं दे रही है। और अब क्या हुआ था कि अब जब हमने फिर से गन्ना लगाए, अब अपने पारंपरिक तरीके से लगाया है, और जैसे हम कैंचियाँ बोते लगभग 1-1.5 फुट की काट के, उस तरीके से बोया। पहले छोटे छोटे साइज़ की कैंचियाँ थी और काफ़ी मतलब रखी रखी हो रखी थी, क्योंकि गन्ना मिल में काफ़ी टाइम से था, तो उस वजह से जो कैंचियों का पोषण था वो जा चुका था, तो उतनी अच्छी पैदावार नहीं हो पाई थी पिछले सीजन में इस गन्ने की। लेकिन उसके बावजूद भी इस गन्ने को जब हमने देखा, जो खेत से कटाई की, तो उसमें क्या था कि जो गन्ने का वज़न था, वज़न बहुत ही मतलब ज़्यादा था 38 के मुकाबले, क्योंकि जो 38 की पुली थी और जो इसकी पुली थी, उनमें फ़र्क था, ये चीज़ हमने नोटिस की। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गन्ना अच्छा काम करेगा। तो जो किसान भाई इसको पहली बार में बोकर निष्कर्ष निकाल ले, उनसे यही अनुरोध है कि भाई पहली बार में निष्कर्ष ना निकाले, एक बार अपने से खुद से भी बोकर देखे और उसके बाद ही निष्कर्ष निकाले। और हमें अभी तक तो भाई गन्ना जो है ठीक ठाक लग रहा है, ऐसी कोई डरने वाली बात दिखाई नहीं दे रही है अब। तो जैसा कि मैं बता रहा था भाई, एक तो इस गन्ने का जो वज़न है वो 38 के मुकाबले हमें ज़्यादा लगा, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है जो पहली बार में बुआई करके निराश हो रहे हैं। और दूसरा, जो गन्ने का बीज का भाग होता है, जब गन्ने को आप कट करते हैं, तो वहाँ पे बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, जिसे हमारी तरफ सोती कहते कुछ, तो वो भी इसमें 38 के मुकाबले कम है, जिस वजह से हम कह सकते हैं गन्ने के अंदर रस ज़्यादा है, और उसी वजह से इसका वज़न भी ज़्यादा है। जो हमें अभी जब इसकी गन्ने की कटाई की, जो इसकी पूलिया वगैरह उठा, उसमें हमें महसूस दिया, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई गन्ना अच्छा रिज़ल्ट देगा अब की बारी में। और वो सब भी हम आपको दिखाएंगे जब ये गन्ना आगे बड़ा होगा, जब इसको हम भरेंगे, तो उसके बाद भी इसकी वीडियो फिर से बनाई जाएगी,
और कैसा ये अभी जमेगा वो सब भी आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि एक तो इसका जो मुंडा था यहाँ पे ये देख सकते हो, ये दिखाएंगे, और एक दूसरे खेत में जो हमारे साथ लक्की भाई है इन्होंने भी यही बीज बोया है तो इनका खेत भी हम देखेंगे उधर जाके। तो अभी चलते हैं, पहले तो हम देखते हैं इसका ये जो दूसरे सीजन का फिर से पैदा हो रहा है, ये देख सकते हैं इधर तो ये 38 है, ये तो ठीक ठाक है, आपको पता ही है भाई कम जमा था तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब थोड़ी सी पैदावार में बढ़ोतरी तो है पहले के मुकाबले, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो हमारा पहला ये जो नया खेत है अभी जो हमने बुआई की है इसमें इसकी जो पैदावार है वो 38 के जैसी ही है अभी तक जो दिखाई दे रहा है, और जैसा हमने पहले बोला था उससे काफ़ी बेहतर है इस बार के सीज़न में, क्योंकि इस बार हमने अपने जो पारंपरिक तरीके होते हैं उस तरीके से इसकी बुआई की है तो अब हमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है इस बीज के अंदर। बाकी इसमें बीमारियों का क्या रहता है और कैसी इसकी पैदावार होती है, क्योंकि इस बार हमने दोनों को सेम तरीके से सेम दवाइयों के साथ बुआई की है तो 38 में इसमें फ़र्क दिख जाएगा जैसे ये बड़े हो गए उसके बाद। तो फिलहाल हम दूसरे खेत में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि कैसी है इसकी जमाव क्षमता, तो वहीं पर चलते हैं अभी दूसरे खेत के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ जो लक्की का खेत है इनके यहाँ आ चुके हैं, ये दूसरा खेत है और इसमें इधर तो बोया है 38 और इधर ये है हमारा 23, तो ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉर्मल एक ठीक ठाक खेत होता है अच्छा कह सकते हैं वैसा ही कुछ खड़ा है। तो यहाँ पे भी अगर आप पिछली वीडियो उसको देखोगे तो उनमें तो भाई बिल्कुल ना के बराबर ही खड़े थे पौधे, लेकिन यहाँ पे अब पौधे ठीक ठाक खड़े। तो दूसरे खेत को भी दिखाने का मकसद ये था, जैसे कि हमने पिछली बार भी 2-3 खेत दिखाए थे कि जिससे लोगों को भाई ये ना लगे कि इस जगह अच्छा और इस जगह ख़राब, तो एक एवरेज से आप आइडिया लगा सकते कि भाई जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि सभी खेतों में फसल अच्छी पैदा नहीं हुई थी, और इस बार वही दिखा रहा हूँ कि हमारे खेत में भी भाई ठीक ठाक खड़े हैं और यहाँ पर भी ठीक ठाक खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लक्की भाई कब बोया था? एक महीना भर हो गया, महीना भर हो गया। अच्छा तो ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आपको मैं बीज की फूट भी दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूट हो रही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, जो मैडे भी बन रहे हैं काफ़ी अच्छे बन रहे हैं भाई, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी जगह जाके देख सकते हो, किसी भी गैडे में झुंड में देख सकते हो फूट बहुत अच्छे से हो रही है बीज की, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इस बार नहीं लग रही है पिछली बार की तरह। पिछली बार क्या था फूट बिल्कुल ही ना के बराबर थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई शिकायत नहीं है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हरा भरा खेत तैयार है और जैसा 38 का खेत होता है वैसा ही है, पर देखते आगे इसका क्या रिजल्ट रहता है। तो बाकी बस वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि आप भी 15-0-23 को लेकर जो आपके मन में भ्रांतियाँ थी उनको दूर कर सकें, क्योंकि अधिकतर लोगों ने इसको पहली बार बोया तो उतना अच्छे से ये पैदा नहीं हो पाया, तो उसका भी कारण ये था कि भाई जो कैंचियाँ मिली थी मिल से जो बीज मिला था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, और फिर उसको जो बोने का तरीका बताया था मिलने वो भी सही नहीं था, उस वजह से उसकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाई। लेकिन अब जब हम इसको नए सीज़न में फिर से जमा रहे अपने तरीके से और अच्छे बीज के साथ, तो ये जमाव जो इसका है वो अच्छे से हो रहा है, और इसके साथ ही जो इसके अंदर सोती है वो भी कम है 38 के मुकाबले। बीमारियों का क्या रिजल्ट रहता है वो आगे की वीडियोज़ में हम दिखाएंगे, और इसकी जो पैदावार है आगे कैसी रहेगी वो भी आगे की वीडियोज़ में दिखाएंगे। बाकी बस अभी तो वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि जो जिन्होंने इसको फिर से लगाया है वो देख पाए कि भाई इसकी पैदावार कैसी है, अगर आप इसको ठीक ठाक तरीके से लगाए तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पहली बार लगा रहे हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत आ सकती है पैदावार को लेकर, नहीं तो अब आप इसको जब दूसरे सीज़न में जमाएंगे तो कोई ऐसी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी आई लगी है पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।